Bismillahirrahmanirrahim. alaikum dear students. Hope so you all are fine. Today we are going to discuss about viruses, the status of virus, classification, discovery and cycle of viruses. First of all, we should know about it. What is virus? Virus mean venom or poison, and the study of virus is called virology. It is an infectious agent which consists of nucleic acid and protein. There are two things are present. The nucleic acid which may be in the form of DNA or RNA, and the second Second one is protein and it is too small to be seen by light microscope okay and um, now the status of virus what is the status of virus they are living or non-living they are no, it is not uh, identified that they are living or non-living so the scientists put them in the borderline means they, there are some characters which are in uh, which are may be in the form of living and some characters are like non-living okay अब इसमें लिविंग में जो है वो कौन कौन से करैक्टर्स आ जाते हैं कि ये जो है ये अपनी रेप्लिकेशन कर रहे होते हैं इनके अंदर डी एन ए प्रेजेंट है मतलब आर एन ए प्रेजेंट है ये डी एन ए प्रेजेंट है न्यूक्लिक मटीरियल प्रेजेंट है इट्स मीन दे कैन क्लासीफाई दैम ये ख़ुद को जो है वो क्लासीफाई उसकी जो है वो फर्दर जो है वो क्लासीफिकेशन हो सकती है उसमें फर्दर जो है वो डिवीजन होने के चांसेस हैं ठीक है और दूसरी चीज़ जो इसको नॉन लिविंग में रखती है नॉन लिविंग में क्या चीज़ रखती है कि ये दे के नॉट ईट दे के नॉट ब्रेक देयर फूड दे के नॉट यूज़ ऑक्सीजन एंड दे के नॉट डू सम फंक्शन ऑन इट्स ओन अपने जो है उस पर है वो कोई फंक्शन नहीं कर सकते हाँ जब उनको होस्ट मिल जाता है तो दे कैन परफॉर्म फर्दर फंक्शन और ये जो एक्सक्रीट नहीं कर रहे इसके अलावा ये क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं दे आर इन हाइबरनेट फॉर्म वैन दे आर प्रेजेंट इन द आउटसाइड ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म देट्स वाई दे आर इन दे आर कैटागराइज एज नॉन लिविंग they may be living and they may be non-living it is at the borderline next one there are some uh, general characteristics of viruses viruses are smaller than bacteria they may they are in the form it means they are 20 to 300 nanometer स्मॉलर दैन बैक्टेरिया वायरसेज कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड इट मे वी डी एन ए और आर एन ए लेकिन दोनों जो है वो नहीं प्रेजेंट होते ठीक है एंड वायरसेज कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोड समयसेज हैव एडिशनल लिपो प्रोटीन इनवेलप वायरसेस जो है वो न्यूक्लिक मेटीरियर होता है डीएनए या आरएनए की फॉर्म में और फिर उसके ऊपर प्रोटीन कोट होता है जिसको कैप्सिड बोला जाता है इसके अलावा समटाइम लिपो प्रोटीन लेयर भी होती है नाउ व्हाट इज दिस लिपो प्रोटीन लेयर इट इज फ्रॉम मेड फ्रॉम द लिपिड एंड प्रोटीन एंड दिस लिपो प्रोटीन लेयर आई लिपिड एंड प्रोटीन इज टेकन फ्रॉम द होस्ट होस्ट से वो वो लेके अपने ऊपर कवर कर लेते हैं ये ये ठीक है 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 अब इसका है? इसका एडवांटेज एडवांटेज क्या होता कि जब वो हमारी बॉडी के अंदर इंटर होंगे तो इनके ऊपर लिपो प्रोटीन लेर जो उन्होंने ली हुई है वो होस्ट से ही लेके उन्होंने अपने आप को कवर किया हुआ है तो हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो डिटेक्ट ही नहीं कर सकेगी कि इट इट इज़ इज़ कम सम सकेंगीज़र पार्टिकल आर इट कम फ्राम द आउटसाइड वो ये समझेंगे कि ये हमारी अपनी बॉडी का ही जो है वो पार्ट है तो वो क्या करेंगे उसके अगेंस्ट फाइट नहीं कर रही होंगी ठीक है वो उसको अपना ही समझ के जो है वो अपना वायरस अपना काम भी कर लेगा और हमारी बॉडी उसको डिटेक्ट ही नहीं कर सकेगी लिपो प्रोटीन इनवेल का ये एडवांटेज होता है वो और सेलुलर होते हैं दे द लिविंग ऑर्गेनिज्म आउटसाइड जो क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट होंगे ठीक है जब बॉडी के अंदर इंटर हो जाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे रेप्लीकेशन स्टार्ट कर लेंगे अपनी और डिवीजन स्टार्ट कर लेंगे नंबर इंक्रीज करना शुरू कर देंगे अपना वायरसिस रेप्लीकेट थ्रू रेप्लीकेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड एंड सेंथिस ऑफ वायरल प्रोटीन ये क्या करते हैं न्यूक्लिक एसिड को जो है वो फर्दर जो है वो डिवीजन कर लेते हैं उसकी रेप्लीकेशन कर लेते हैं और साथ साथ प्रोटीन को भी जो है वो फॉर्मेशन कर रहे होते हैं ताकि फर्दर वो बनते जाएँ और वायरसेस जो है उनकी फॉर्मेशन होती जाए ये आपको साइकिल में ज्यादा क्लियर हो जाएगा और वायरसेस बनते जाएँ तो उनके ऊपर फिर प्रोकैपेट भी तो चाहिए प्रोटीन कोटिंग भी तो चाहिए ना वायरस डू नॉट मल्टीप्लाई इन केमिकल डिफाइंड मीडिया जो वायरसेज हैं उनको आप आर्टिफिशली प्रोड्यूस नहीं कर सकते जिस तरह बैक्टीरिया है उसको हम चाइना डिश में जो है वो कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन देने के बाद प्रोड्यूस कर लेते हैं बट द वायरसेस कैन नॉट बी प्रोड्यूस वायरसेज डो नॉट अंडर गो बैनरीफिशनिफिशन जो है ये भी एज एक्चुअल डिवीजन है इसके थ्रू जो है वो वायरसेज नहीं जाते वो ये वाली डिवीजन जो है वो नहीं करते ठीक है नेक्स्ट वन इज द डिस्कवरी ऑफ द वायरसेज अब डिस्कवरी में डिफरेंट साइंटिस्ट जो है उन्होंने अपना अपना जो है वो रोल प्ले किया सबसे पहले लॉयस्ट पॉस्चर एंड रॉबर्ट कोच आ जा जाते हैं ठीक है द हैड डिमॉन्सट्रेटेड डेट बैक्टेरिया काज मैनी डिजीज ऑफ मैन एंड अदर ऑर्गेनिजम अब यहाँ पे जो है वो और किस चीज़ को ये किस चीज़ पे ये जो है वो ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं कि बैक्टीरिया जो है वो डिफरेंट डिजीज काज करता है इन्फेक्शन काज करता है तो ये जो वायरस से जो उनको सबसे पहले डिटेक्शन हुई थी ना कि हाँ ये इन्फेक्शन हो रहा है तो उन्होंने उसको बैक्टीरिया का ही नाम दिया था कि ये बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है ठीक है फिर उसके बाद जो है वो दूसरे जो साइंटिस्ट आए थे एडल्फ मेयर उन्होंने क्या किया था उन्होंने कुछ इन्फेक्टेड जो मटीरियल था उसको दूसरे पे हेल्दी पर जो है वो रब किया तो उन्होंने चेक किया कि हाँ दूसरे में भी ये चीज़ जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है ठीक है तो इस चीज़ से जो है वो उन्होंने क्या डिटेक्ट किया कि हाँ ये जो है ये कोई बैक्टीरिया है जो एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है फिर उसके बाद थर्ड साइंटिस्ट जो है वो यूनेसको आ जाते हैं इन्होंने जो है वो क्या किया था इन्होंने कुछ टोबेको सेप यूज़ किया था ठीक है एक जो इन्फेक्टेड जो टोबेको का प्लांट था ना टोबेको म्यूजिक वायरस जो है उसकी बात हो रही है उसका सेप निकाल के उसका जूस निकाल के उसको फिल्टर किया था ठीक है कहाँ पर जो है वो फ़िल्टर किया था उसको उसको फिल्टर किया था कि ताकि वो क्या करें ऐसे फ़िल्टर पेपर से जो है वो उसको गुजारा था ताकि वहाँ पर जो है वो बैक्टीरिया क्या होते हैं स्टॉप हो जाते हैं वहाँ से जो है वो बैक्टीरिया जो है वो फर्दर पास नहीं हो सकते तो इसने क्या किया था कि इसने कहा मैं जो हूँ इस फिल्टर से इस सेप को पास करूंगा बक्टेरिया जो है वो फिल्टर पेपर पे स्टे करेंगे और नीचे जो चीज़ पास होगी वो क्या हो रही होगी जस्ट सेप जा रहा होगा उस वो उसमें जो है उस सेप में जो है वो फिर इन्फेक्शन नहीं बचेगा क्यों क्योंकि बक्टेरिया तो फिल्टर पेपर में जो है वो रह गया है ना उसने उस सेप को जो है वो अगले टोबेको प्लांट में जो है वो ट्रांसफ़र किया वहाँ पर भी इन्फेक्शन का जोर था फिर उसने अगले में किया वहाँ पर भी इन्फेक्शन का जोर था तो उसने क्या कहा कि ये जो बक्टेरिया है ये बहुत स्माल है मतलब कि ये नॉर्मल जो बैक्टेरिया साइज़ होता है उससे ये बहुत ज़्यादा क्योंकि ये फिल्टर पेपर जो है वो उनको नहीं कर सक रहा जो है वो उसकी जो है वो चीज़ को जो है वो नहीं वो कर रहा फ़िल्टर कर रहा तो वो डायरेक्ट जो है वो आगे इंटर हो गए हैं ठीक है थीके? तो फिर ये चीज़ जो है वो उन्होंने डिटेक्ट की थी और दूसरे ने ने कहा था बहुत ये पॉइज़न भी हो सकता है तो जो आगे जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा ये उन्होंने तो फिर दूसरे जो है वो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने क्या किया था कि वो उनका नाम था बीजरिंग अब बीजरिंग ने क्या किया था उन्होंने जो है उन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो गलत प्रूफ किया था उन्होंने कहा था कि अगर ये जो बात उन्होंने की थी एवनस्क्यो ने उसको इन्होंने जो है वो रॉन्ग किया था कि नहीं वो गलत बात है इस तरह से नहीं है बैक्टेरिया जो ये बैक्टेरिया नहीं है बैक्टेरिया जो है वो अगर होता तो वो तो पास हो जाता ना वहाँ से और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि ये टॉक्सन है तो ये टॉक्सन भी नहीं हो सकता टॉक्सन इस वजह से नहीं हो सकता कि अगर ये टॉक्सन है तो टॉक्सन को तो आप बार बार यूज़

जो वो जस्ट एक उसको जो है वो आइसोलेशन की थी उसकी और फिर आइसोलेशन करने के बाद टोबैको प्लांट पर उन्होंने जो है वो चेक किया था कि ये बेसिकली है क्या चीज़ फिर उन्होंने जो है वो डिटेक्ट किया था कि ये जो है वो प्रोटीन और न्यूक्लिक मटीरियल जो है इन दोनों चीज़ों से मिल कुछ मेटीरियल बना हुआ जब उनको ये पता चल गया कि ये न्यूक्लिक मटीरियल से मिलकर बना हुआ है तो फिर उन्होंने साथ ये चीज भी जो है वो डिटेक्ट कर ली कि इट्स मीन इट इज़ लिविंग थिंग इट इज़ नॉट अ टॉक्सिक इट इज़ अ लिविंग थिंग बट इट इज़ वेरी स्मॉलर देन बैक्टीरिया और फिर उसके बाद जो है वो एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था एडवर्ड जेनर उन्होंने वैक्सीनेशन जो है वो प्रोड्यूस की थी स्मॉल पॉक्स के लिए ठीक है स्मॉल पॉक्स के लिए जो है वो कापोक्स वायरस यूज़ करके कापॉक्स से जो डिजीज़ काज हुई थी कॉपॉक्स वाली उसकी जो एंटीबॉडीज हैं उसको यूज़ करके इन्होंने जो है वो एज ईयर ओल्ड चाइल्ड को जो है वो ट्रीट किया था और फिर वैक्सीन जो है वो बनाई थी नेक्स्ट वन जो है वो बैक्टेरियो फैज है बैक्टेरियो फैज ये इसमें जो है वो डिफरेंट क्लासिफिकेशन आ जाती है ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी भी और ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट होस्ट ऑर्गनिज़म भी आ जाती हैं जो इसकी इसकी बेस पे क्लासिफिकेशन आती है जी शेप को बोलते हैं मतलब शेप की बेस पे जो क्लासिफिकेशन आती है उसमें स्फेरिकल वायरस आ जाते हैं टेड पोल वायरस आ जाते हैं रॉड शेप तो ये इनके नाम से पता चल रहा है कि स्फेरिकल मतलब उनकी शेप स्फेरिकल होती है टेड पोल तो उनकी शेप टेड पोल होती है टेड पोल की एग्जाम्पल बिकटेरियो है ठीक है ये आपके सामने ये बना हुआ है ये इसको जो है वो बिक्टेरियो क्यों बोलते हैं इसको टेड पोल बेसिकली इस वजह से बोल जाता है क्योंकि ये जो है वो इसकी टेल भी है और इसका हेड भी है इस वजह से इसको क्या बोला जाता है Thank <laughs> you. एड पोल बोला जाता है ठीक है इसमें बैक्टेरियो फेज आ गया स्फेरिकल की एग्जाम्पल पोलियो वायरस था उसकी स्फेरिकल शेप होती है मीनस ओवल शेप होती है और रॉड शेप जो वो है वो रॉड लाइक होते हैं ठीक है जिसकी एग्जाम्पल आ गई टोबेको मोजिक वायरस फिर एनिमल वायरसेज प्लांट वायरस और बैक्टेरियो फेज आ जाते हैं एनिमल वायरसेज एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे स्मॉल पॉक्स वगैरह पोलियो इन्फ्लुएंजा और फिर प्लांट वायरस जो है उसकी एग्जाम्पल टोबेको मोजिक वायरस आ जाती है और जो थर्ड वन है वो क्या है बैक्टेरियो फेज है ये बैक्टेरिया के अंदर जो है वो प्रेजेंट होगा ठीक है नेक्स्ट पे जो है वो क्या आ जाता है बैक्टेरियो फेज आ जाता है बैक्टेरियो फेज देखें आप बेसिकली क्या है कि ए, ये बैक्टेरियो फेज जो है ये क्या करता है इफेक्ट कर रहा होता है बैक्टीरिया को बैक्टीरिया का ये वायरस है तो ये जाके बैक्टीरिया को ही क्या करेगा अफेक्ट करेगा ठीक है दे हैव टू एज पैरासाइट विद ईच फेज टाइप डिपेंडिंग ऑन अ सिंगल स्ट्रेन ऑफ बैक्टेरिया टू एक्ट एज अ होस्ट उसके हर एक स्ट्रेन पर वो डिपेंड कर रहे हैं क्योंकि उसके न्यूक्लिक मटीरियल के अंदर जो है इन्होंने अपना न्यूक्लिक है वो इंजेक्ट करना है इंटर करना है इस वजह से अब ये बैक्टेरियो फेज मेकअप अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ वायरसेस ऑफ विच हैक्चर बैक्टेरियो फेज के अंदर यह इंटर होकर वहां पर अपनी डिवी करता है और फिर बहुत सारे बैक्टेरियो फेज बना देता है ठीक है अब ये जो है ये इसका स्ट्रक्चर आ गया ये देखें ये प्रोटीन कोट है ऊपर जो कवरिंग है जिसको मैं कैप्सिड बोल रही हूँ बार बार फिर उसके बाद ये शीट आ जाती है ये हेलिक्स लाइक शीट है ठीक है और ये डी एन है ये और ये आगे सेल सेलवाल और दिया हुआ है ना ये सेल सेलवाल अगले ऑर्गेनिज्म की होस्ट ऑर्गेनिज्म की ठीक है इसके अंदर ये इस तरह से अपना डी इंजेक्ट करता है ये ब्लू वाली लाइन देखें आप ये जिस तरह से जो है वो आके यहाँ पे इंजेक्ट कर लेता है ये भी जो है ये उसका ही प्रॉपर स्ट्रक्चर आ गया हेड आ गए कॉलर दिए हुए हैं और फिर कोर हेलिकल शीट जो हेलिकल की तरह उसको सराउंड किया होता है फिर नेक्स्ट जो है वो टेल की पेंस आ गई हैं ये जो लगी हुई हैं और फिर हेक्सागोनल हेक्सागोनल का क्या मतलब है कि उसके डिफरेंट जो है वो कॉर्नर्स निकले हुए होते हैं उसको हेक्सागोनल बोलते हैं अच्छा अब ये बेसिकली टू उसमें डिवाइड हुए ठीक है एक इसका हेड है और दूसरा क्या है टेल आ जाती है अब नेक्स्ट क्या आ जाता है एच आई वी वायरस अब एच आई वी एड्स जो है वो काज कर रहे हैं ठीक है एच आई वी बेसिकली होता क्या है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस ये जो है वो हमारी इम्यून सिस्टम को जो है वो बहुत ज़्यादा डेफिशेंट कर देता है वीक कर देता है एच आई वी वायरस क्या है इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है जो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम की जो है वो इट इज़ द काज ऑफ दिस डिजीज़ इट बिलोंग्स टू द लेंटी वायरस सब फैमिली ये इसकी सब फैमिली आ जाती है ठीक है लेंटी वायरस सब फैमिली ऑफ द रेट्रो अब इसको जो है वो रेट्रोवायरस भी बोला जाता है क्यों क्योंकि यहाँ पे जो है वो कन्वर्जन ऑफ आर एन ए विल बी इन टू डी एन ए आर एन ए जो वो कन्वर्ट हो जाएगा डी एन ए में जब बेसिकली हम लोग प्रोटीन का प्रोसेस पढ़ रहे होते हैं प्रोटीन सेन्थिस वहाँ पर जो है वो डी एन ए से मैसेंजर आर एन ए बनता है यहाँ पर उसके ऑपोजिट हो रहे हैं आर एन ए से डी एन ए बन रहा है तो इस वजह से इस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे और यहाँ पर जो एनजाइम यूज़ होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आ जाता है ठीक है अब ये जो है ये इसका स्ट्रक्चर आ गया यहाँ पे देखें ये लिपिड मेम्ब्रेन बनी हुई है सबसे आउटर मोस्ट और फिर ये जो पर्पल कलर की जो आपको नजर आ रही है ये स्पाइक्स बनी हुई हैं ठीक है थीके? ये स्पाइक्स क्या करती हैं ये स्पेसिफिक होती हैं टू देयर होस्ट ये जो है ये वो केमिकल जो उनके अंदर से सिक्रीट होता है ये उसको डिटेक्ट करके वहाँ पर स्पेसिफिकली जाके अटैच होती हैं यहाँ पर टू आर एन ए स्टैंड है ये देखें ये टू आर एन ए जो है वो स्टैंड यहाँ पर आ जाते हैं और इनके दरम्यान में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज विल बी कन्वर्ट आर एन ए इ डीएनए और ये कैप्सिड प्रेजेंट है ब्लू वाले जो ये रोल आ जाते हैं ये जिन्होंने इनको स््राउंड किया हुआ और ग्लाइको प्रोटीन वन ट्वेंटी और ग्लाइको प्रोटीन जो है वो फोर वन का क्या मतलब है ये जो है ये ग्लाइको प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और वन ट्वेंटी और फोर्टी वन जो है ये इनके किसकी बेस पे नाम दिए हुए हैं इनके मालिकुलर वेट की बेस पे ठीक है फिर यहाँ पे ये जो मेट्रस प्रेजेंट है ये देखें ये लिखा हुआ है ये मेट्रस जो है इट इज़ मेड अप ऑफ पी सेवेंटीन मतलब प्रोटीन सेवेंटी से बना हुआ होता तो और नेक्स्ट जो है वो क्या चीज़ आ जाती है यहाँ पर कोर आ जाता है कोर इज़ नॉट गिवन आई थिंक यहाँ पे कोर नहीं दिया हुआ ठीक है कोर इस इंटरनल पार्ट को बोलते हैं ये कैप्सिट है ना तो इसके इंटरनल वाला जो पोर्शन है ये कोर आ जाता है ठीक है कोर इज मेड अप ऑफ पी ट्वेंटी फोर ओके okay, यहाँ पे थ्री टाइप ऑफ एंजाइम प्रेजेंट है एक तो रिवर्स यू आर ट्रांसक्रप्टज नाउ फैमिलियर विद इट और इसके बाद जो वो प्रोटियाज़ प्रेजेंट होता है प्रोटियाइज क्या करता है इट इज़ डूइंग द ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन और थर्ड वन इंटीग्रेज जो है वो आ जाता है इंटीग्रेज क्या करता है डी एन ए इंटू डी एन एफ होस्ट जो इसका अपना डी एन ए उसको वो होस्ट के डी एन ए के साथ क्या करता है अटैच करता है नेक्स्ट वन इज इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस बेसिकली जो है इसके इसके जो है वो क्या करेक्टरिस्टिक हैं कि इसके अंदर एट जो है वो प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेन प्रेजेंट होते हैं ठीक है रहने के इसको रेट्रोवायरस नहीं बोला जाता क्योंकि ये कन्वर्जन नहीं करता ये आरएनए की फॉर्म में है तो आरएनए की फॉर्म में ही रहेगा इसके जो वो एड्स स्ट्रेनस आ जाते हैं एड्स स्ट्रेनस के अंदर प्रेजेंट है इस वजह से ये क्या करते हैं इसके अंदर म्यूटेशन बहुत ज्यादा होती है डिफरेंट फॉर्म में अभी तक जो वो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन इस वजह से डिस्कवर नहीं हुई ये इतना पुराना वायरस है ये इस वजह से डिस्कवर नहीं हुई इसकी वैक्सीनेशन क्योंकि ये अपने डिफरेंट जो स्ट्रेनस हैं उनके अंदर म्यूटेशन लेके आ जाता है ठीक है एक स्ट्रेनस को देख के साइंटिस्ट उसके लिए जो है ये फार्मासिस्ट जो है वो मेडिसिन डिजाइन करते हैं ये अपने दूसरे जो स्ट्रेन है उसके अंदर चेंजेस लेके आ जाता है तो इस तरह से कन्फ्यूजन होती है कि वो मेडिसिन फिर उसके लिए जो है वो फिट नहीं आ रही होती ठीक है इन्फ्लुंजा वायरस क्या करता है नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आए न वायरस अंडर द औरथोमायरोडी फैमिली और फैमिली के अंदर जो है ये आ जाता है ठीक है ये इन्फ्लुंजा जो है वो डिजीज इसमें कॉमनली फ्लू आ जाता है मोस्टली ये इन्फ्लुंजा फ्लू का आज करता है ठीक है इट इज़ हाईली क्वान्टिजियस वायरल इन्फेक्शन ऑफ द पैसेज ऑफ बर्ड मैमल्स एंड एक्टा इट इज द मोस्ट फैमिलियर वायरस इन दिस प्रेजेंट वर्ल्ड इन्फ्लूजा वायरस जो वो है वो सबसे फैमिलियर है सबसे वेल नोन है ठीक है इसको जो है वो सब को पता होता है सब जानते हैं सब इससे जो है वो हर किसी का जो है वो पढ़ रहा होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो उससे रिलेट कर होते रहे होते हैं इसमें जो है वो आर एन ए प्रेजेंट होता है और फिर इन्वेलप्ड होता है इसकी फैमिली मैंने आपको बता दी है आर्थोमायरोविजी और साइज़ इसका क्या आता है एटी टू टू हंड्रेड नैनोमीटर इसका साइज़ आ जाता है और ए बी सी और थ्री इसकी टाइप हैं ठीक है अब ये सरफेस एंटीजन जो इसमें आ जाते हैं ये हिमाग्लोटिन है और दूसरा न्यूरामाइनी है अब ये इन दोनों का क्या काम है जो न्यूरामाइनी है ये क्या कर रहा है ये सीज़र का काम कर रहा है ठीक है सीजर से ये कट करके उसमें जो वो रिलीज करने वाला जो वो काम करता है दूसरा हिमोगलूटिन माइन है नाइन है तो ये क्या कर रहा है कि ये अटैचमेंट का काम का कर रहा है मतलब इट एक्ट एज अ ग्लू ग्लू की तरह जो है ये काम कर रहा होता है एंड दे आर प्रेजेंट एट द आउटर सर्फेस ऑलमोस्ट अब ये इन्फ्लुन्जा वायरस आ गया इसमें जो है ये हिमाग्लेटे नाइन और न्यूरा ये दोनों प्रेजेंट और ये इसके अंदर स्ट्रेन जो है ये एट होंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एड स्ट्रेन जो है ये प्रेजेंट है और यहाँ पे भी स्पाइक्स प्रेजेंट होती हैं दे आर स्पेसिफिक टू देयर होस्ट अच्छा ये इसका वे है कि ये किस तरह से जाके इंटर होता है अपने आ, होस्ट के अंदर ठीक है ये ये बैक्टीरियोफेज है था सिंपली अब बैक्टीरियल ये बैक्टेरियल बैक्टीरियोफेज है और ये नीचे देखें ये बैक्टेरियल सेल है ये क्या करेगा इस तरह से इंटर होता है ये इसका येलो वाला न्यूक्लिक मटेरियल था ना इसको इसने जो है वो अपने बक्टेरिया के अंदर मतलब अपने होस्ट के अंदर इंटर कर लिया है नेक्स्ट जो है वो इसके साइकिल आ जाते हैं सबसे पहला साइकिल जो है वो क्या है फेज रेप्लिकेशन में द साइकिल आ जाता है लिटिक साइकिल के अंदर क्या होगा सबसे ये यहाँ से इसका फर्स्ट स्टेप ये वाला है ठीक है अटैचमेंट ये अटैचमेंट वाला ये यह। यहाँ पे ये यह क्या करेगा कि आके अटैचमेंट इसकी होगी ये वायरस आके बैक्टेरियो फेज आके बैक्टेरिया के साथ अटैच होगा अटैचमेंट के बाद ये क्या करता है ये दूसरा जो स्टेज आ जाती है वो आ जाती है पेनिट्रेशन वाली आ जाती है ये पेनिट्रेशन में ये क्या करता है कि अपना ये जो डी एन ए मटीरियल है उसको इसके इसमें इंटर कर देता है ठीक है ये मैंने आपको बनवाया हुआ भी है बोर्ड पर मैंने बनाया था आप वहाँ से भी जो है वो इसके स्टेप ज़्यादा ईजिली कर सकते हैं यहाँ पर स्टेप मैंशन नहीं है आप उससे वो कर सकते हैं अच्छा उसको सबसे पहले स्टेप में आके अटैच हुआ दूसरे में इसने पेनिट्रेशन किया इनकॉर्पोरेट किया उसके अंदर जो है वो इंजर्शन कर ली अपने डी एन ए की इसके अंदर बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर ठीक है अब ये इसने क्या किया वहाँ पे उसको कट करके खुद उसके साथ मिक्स हो गया ठीक है ये जो रेड वाला आया था ये यहाँ से आया था वायरस से आया था ये रेड वाला मटीरियल अब नेक्स्ट प्रोसेस में जो है वो जब इनकॉर्पोरेशन हो जाएगी उसके साथ मिक्सिंग कर लेगा फिर क्या करेगा ये इस फॉर्म में आ जाएगा ये न्यूकलिक मटीरियल इसका प्रेजेंट है फिर ये अगले स्टेप में जो है वो यहाँ पर प्रोटीन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी इसके स्टेप्स आप जितने मर्जी बनाना चाहें अब यहाँ पर हर एक स्टेप जो है वो सेपरेट बना हुआ है तो आप इनको कंबाइन भी कर सकते हैं ठीक है इस चीज़ में कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं ना. अब यहाँ पे ये देखें ये इसने जो है, है ये इसने एंड कर देगा उसके अंदर से सारा कुछ लेके तो उस पर अपना होल्ड ले, ले लेता है इस साइकिल को जो है वो मास्टर स्लेव साइकिल भी बोलते हैं मास्टर स्लेव किस वजह से कहते हैं क्योंकि वायरस जो है वो होल्ड ले, ले लेता है वो मास्टर बन जाता है अब यहाँ पे देखें ये प्रॉपरली जो है वो अरेंज हो गया है के अंदर टेल जो है वो सेपरेटली प्रेजेंट है अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि असेंबली वाला जो है वो प्रोसेस होगा असेंबली के अंदर क्या हो होगा कि ये खुद को अरेंज कर लेंगे मतलब कंबाइन हो जाएंगे और उससे नेक्स्ट जो है वो एलिमिनेशन होगी एलिमिनेशन के अंदर क्या होता है ये दे विल कम आउटसाइड फ्रॉम द बैक्टीरियल वॉल ये बैक्टीरियल वॉल से बाहर निकल गए एंड दे आर एबल टू इन्फेक्ट एन अदर बैक्टीरिया ये अब दूसरे बैक्टीरिया में जाकर इन्फेक्ट करेंगे और इस तरह से ये साइकिल जो है कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट जो है वो लाइजोजिनिक साइकिल आ जाता है लाइजोजिनिक साइकिल ये भी इसकी जो स्टार्ट पॉइंट है ये भी ये इसका भी जो फर्स्ट स्टेप है ना वो यही होता है कि बैक्टीरिया आके अटैच attach करेगा अटैचमेंट करेगा फिर इनकॉर्पोरेशन करेगा इनकॉर्पोरेशन में ये इसको अंदर इंटर कर लेगा ठीक है आप इसको इनकॉर्पोरेशन भी बोल सकते हैं पेनिट्रेशन भी बोल सकते हैं अब नेक्स्ट स्टेप में जो है वो क्या करेगा ये इसके साथ यूम मिक्सिंग कर लेगा यू पर लिट्रिक साइकिल इस वजह से दिए हुए क्योंकि बाकी स्टेप इसके लिएट्रिक साइकिल वाले ही होते हैं लाइजोजीनिक के सिर्फ जो है वो यहाँ से जो है वो क्या करता है ये चेंजेस जो है वो इसमें आ रही होती हैं इसलिए इसको लाइजोजनिक को सेपरेट किया हुआ है अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या आया कि वो बिल्कुल जो है वो उसने रेप्लीकेशन की है और बैक्टेरियल वाली डबल हुई है तो जो वायरस वाली जो थी वायरस न्यूक्लिक मटेरियल वो भी डबल हो गया है यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में जो है वो सेपरेट कर लिए दोनों यहाँ पर सर्कल बने थे उनको सेपरेट कर लिए ये न्यूक्लिक मटेरियल है बैक्टेरिया का और इसका वायरस का बक्टेरिया फेज का यहाँ पे क्या प्रोसेस हुआ यहाँ पे बाइनरी फिशन हुआ इसकी डिवीजन होगी बक्टेरिया हैव कैपेबिलिटी ऑफ बाइनरी फिशन बट वायरस और बक्टेरिया डू नॉट हैव तो वो ये उसके अंदर ही जो है ये काम हो रहा है ठीक है उसके अंदर ही उसने बैनरीफिशन करके वो क्या हुआ डबल हो गया और उसके बाद जो है वो फाइनली फिर वो उसका न्यूक्लिक मटेरियल जो है वो इस फिर दोबारा से ये इलेक्ट्रिक साइकिल वाला स्टार्ट हो जाएगा ये देखें यहाँ पर उसने जो है वो अपना न्यूक्लिक मटीरियल को मल्टीप्लाई किया उसकी डिवीजन की और यहाँ पर क्या हुआ कि ये दोबारा से प्रोटीन कैप्सिल बन गए फिर ये सारा जो है वहाँ पर टेल भी आ गई न्यूक्लिक मटीरियल जो है वो कैपसिल के अंदर अरेंज हो गया एंड फाइनली यहाँ पर क्या होगा सेल्फ असेंबली जो है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि ये सेल्फ असेंबली वाला स्टेज है और सेल्फ असेंबली के बाद नेक्स्ट जो है वो एलिमिनेशन हो रही है ये देखें यहाँ पे जो है ये एलिमिनेट हो रहे हैं यहाँ से एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक थैंक यू सो मच